महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि ये विधेयक जो लेकर आए हैं वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है, लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं। और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया कि ये विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। माननीय, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा अभी मूड दिखता है। तो माननीय, जब तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, प्लीज माननीय मान्यवर, जहां तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली है। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3 बी की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3 बी बहुत स्पष्ट है, इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। माननीय, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनंती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है, उसका दूसरा हिस्सा भी
पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं मान्यवर। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष करकर पैरा 164 एफ की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239 AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया। माननीय, अब मैं थोड़ा विधेयक पर बात करना चाहूंगा। दिल्ली शासन, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। माननीय, दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा मेहरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारमैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किस ने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति सीतारमैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। बाद में जब अंबेडकर जी ने समापन किया तब उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली का सवाल है हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार यहां दिए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र है इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और संविधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए। खैर, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। माननीय, मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधानसभा दी गई परंतु 1956 में राज्य
पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली की विधानसभा हटाकर उसको संघराज्य घोषित किया गया। लगभग 3 दशक तक ये व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई, और 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया। और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम